हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय आर्यन। आज मैं आप लोगों को 10वीं क्लास के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो महत्वपूर्ण है। पहले क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। पीएच स्केल का पैमाना किस वैज्ञानिक ने दिया? सोरेंस 1909 ईस्वी में। सोडियम बाइकार्बोनेट को किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? एमोनिया सोडा या साल्वे विधि। सोडियम बाइकार्बोनेट पेट की अम्लता को कम करने की औषधि को क्या कहते हैं? एंटासीड। बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, तो इसका दूसरा अवयव क्या होगा? टार्ट्रिक अम्ल। किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है? तांबा। जीवन का सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया था? बर्जीलियस 1815 ईस्वी में। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? वोहलर ने। कैल्शियम कार्बोनेट जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, क्या देता है? एथाइन। एल्कोहल बनने में शर्करा का किण्वन किनके क्रिया द्वारा होता है, किस क्रिया द्वारा होता है? मतलब एंजाइम से होती है, किससे होती है? तो एंजाइम से होती है। एल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किस क्रिया से हो सकती है? तो एंजाइम। सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में धातु और अधातु का वर्गीकरण किसने किया? लब्ज बाजे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जर्मन रसायन जॉन डॉबेरन ने रासायनिक दृष्टि से सदृश तत्वों का वर्गीकरण कितने समूह में हुआ? तो त्रयक। जॉन न्यूलैंड्स अंग्रेज वैज्ञानिक का जन्म कब हुआ था? 1865 से 66। अंग्रेज रसायन जॉन न्यूलैंड्स ने अपने समय तक ऑक्सीकृत तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के क्रमांक में सजाकर एक नियम का प्रतिपादन किया, जिस नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्मा क्षय। बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। संगमरमर का होता है CaCO3। एमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय। और सोडियम कार्बोनेट का सूत्र जो होता है Na2CO3। लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है, किससे निकाला जाता है? लाइकेन से। हमारा शरीर पीएच स्केल के परास के बीच कार्य करता है, कितना परास के बीच? 7.0 से 7.8। सल्फ्यूरिक अम्ल है का सूत्र क्या होता है? H2SO4। कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? गोल्ड। वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3+10H2। और नीला थोथा का CuSO4×5H2। अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो एंटासिड का उपयोग किया जाता है अपच के उपचार करने के लिए। एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। सिरका जो अचार बनाने में उपयोग में लाया जाता है वह क्या कहलाता है? 10 से 20% एसिटिक अम्ल। सोडियम क्लोराइड के विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया।
किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? तो सोडियम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा वॉच करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें।